आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रदेश के 19 नगरीय निकायों में आम और एक निकाय में उपचुनाव के लिए मतदान आज सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। वोटिंग शाम 5 बजे तक होगी। निकायों के साथ 7035 पंच, 168 सरपंच, 17 जनपद और 3 जिला पंचायत सदस्य के लिए भी आम या उपचुनाव के लिए भी मतदान हो रहा है। इस दौरान मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी मतदाता मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। बड़वानी जिले की 2 नगर पालिका परिषदों और 5 नगर परिषदों में नगरीय निकाय चुनाव के सिलसिले में आज सुबह से मतदान शुरू हो गया है। खंडवा में नगरीय निकाय निर्वाचन के दौरान आज शराब बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। अनूपपुर जिले के जैथरी नगर परिषद में 1 बजे तक 56% मतदान होने की खबर है। हमारे धार संवाददाता ने बताया है कि जिले में धार, मनावर, पीथमपुर नगर पालिका और राजगढ़, सरदारपुर, धामनौद, धर्मपुरी, डही और कुक्षी नगर परिषद के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। धार, मनावर, पीथमपुर नगर पालिका, राजगढ़, सरदारपुर, धामनौद, धर्मपुरी, डही व कुक्षी नगर परिषद के लिए 15 से मतदान जोरों पर है। अध्यक्ष और पार्षद दोनों ही पदों के लिए इस बार ईवीएम मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। मतदान को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह। आज दोपहर तक 40% से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं। डही व सरदारपुर में अब तक 66% से अधिक मतदान हो चुका है। राजगढ़, धर्मपुरी और मनावर में यह आंकड़ा 50 के करीब है। शेष स्थानों पर 36% से अधिक मतदाताओं ने मतदान। सभी 9 नगरीय निकायों में 166 वार्डो के लिए कुल 304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। नगरीय निकाय के कुल 38 अभ्यर्थी अध्यक्ष पद के लिए और 446 प्रत्याशी पार्षद पद के लिए चुनावी मैदान में हैं। इनके भाग्य का फैसला नगरीय निकाय के कुल 263,514 मतदाता करेंगे। नगरीय निकाय में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए धार से सुनील सचान। उच्चतम न्यायालय विवादास्पद बॉलीवुड फिल्म पद्मावत की रिलीज पर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा रोक लगाए जाने के खिलाफ फिल्म के निर्माताओं की अपील को सुनने पर सहमत हो गया है। इस फिल्म को 25 जनवरी को रिलीज किया जाना है। राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश की सरकारों ने कानून और व्यवस्था के मद्देनजर फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने व्यापम घोटाले से जुड़े एक मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उनके विशेष कार्याधिकारी ओपी शुक्ला और 93 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए हैं। भोपाल की विशेष अदालत में दायर आरोप पत्र में मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम के तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक पंकज त्रिवेदी का भी नाम है। तत्कालीन प्रधान विश्लेषक, 6 बिचौलियों और 83 उम्मीदवारों को भी आरोपी बनाया गया है। सीबीआई प्रवक्ता अभिषेक दयाल ने बताया है कि इन लोगों पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आयकर कानून और भ्रष्टाचार रोधी अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप है। ये मामला 2011 में व्यापम के जरिए अनुबंध पर शिक्षकों की भर्ती में कथित अनियमितताओं के बारे में है। आदि शंकराचार्य की प्रतिमा निर्माण के लिए धातु संग्रहण और जन जागरण अभियान के लिए निकाली जा रही एक आत्म यात्रा ने आज सुबह आगरमालवा जिले के ग्राम बरगड़ी से जिले में प्रवेश किया। यात्रा बड़ौद होती हुई आगरमालवा पहुंची, जहां लोगों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। वहीं हमारे खंडवा संवाददाता ने बताया है कि ओमकारेश्वर में संभागायुक्त ने 22 जनवरी को आयोजित होने वाले आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंचाई की प्रतिमा स्थापना शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया और सभी जिलाधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सघन मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत प्रदेश की सभी जेलों में बंद महिला कैदियों के बच्चों का टीकाकरण आज से शुरू हो गया है। ये अगले 3 दिनों तक चलेगा। हाल ही में विदिशा की महिला जेल में कैदियों के साथ रह रहे 4 बच्चों को चिन्हित कर उन्हें टीका लगाया गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने ट्वीट कर इस कार्य की प्रशंसा की है। जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मांग पूरी नहीं होने से एकजुट नर्सेस कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। मुरैना में अवैध रेत का परिवहन करते एक ट्रक को कल रात चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर रेत का ट्रक वन विभाग को सुपुर्द कर दिया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।